अभी तक का रिस्पांस तो अभी ठीक है, लेकिन आप 2-3 साल से ये महिला अपने खुद के घर में रहने के लिए अभी खुद के घर से निकल के किराए के घर में रह रही है, और कोई ह्यूमन राइट संगठन के लोग जो कि थोड़ा अधूरा आधा अधूरा ज्ञान लेकर इन लोगों के घर पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी ये 3 साल से पुलिस स्टेशन के DCP जोन ऑफिस के चक्कर मार मार के ये लोग थक चुके हैं। अभी इस बार राष्ट्रीय बजरंग दल के तरफ इन्होंने मदद मांगी है, और उसी सिलसिले में हम अभी आके माननीय PI साहब से मिले हैं। सेकंड PI साहब से भी हमारी मुलाकात हुई है, उन्होंने अभी आश्वासन दिया है कि आज उनको बुला के कुछ मार्ग निकल सकता है, तो वो अभी कोशिश कर रहे हैं। आने वाले समय में अगर कल वो महिला इतनी बड़ी लेवल की गुनहगार है कि वो पुलिस स्टेशन के PI का भी फोन नहीं उठा रही है, और ये बेचारे गरीब लोग कहाँ जाएंगे, किससे मदद मांगेंगे, तो हम राष्ट्रीय बजरंग दल के तरफ से यही मांग कर रहे हैं कि इनको इनका खुद का घर जो सरकार ने बांध के दिया है, सरकार ने मतलब घरकुल योजना के अंतर्गत इनको वो घर बना के दिया है, और वो घर घर पे कोई दारू का व्यवसाय करने वाला आदमी और उसकी औरत वहाँ पे कब्जा करने की कोशिश कर रही है। इनके लड़की के उपचार के लिए इन्होंने 1 लाख रुपये उनसे लिए थे, 1 लाख रुपये लेने के बाद इन्होंने 1 साल बाद उनको वापस करने की कोशिश की है, लेकिन वो पैसे न लेते हुए पैसे मतलब उनका सीधा सीधा यही कहना है कि मुझे ये घर चाहिए। अगर इस तरह से बिना साहूकार अगर साहूकारी राज यहाँ पे चलता रहेगा, बिना लाइसेंस के और बिना सारी चीज़ों की ये चीज़ें चलती रहेगी, तो ये सामान्य आदमी ये सामान्य महिला कहाँ जाएंगी न्याय मांगने। अगर न्यायालय में जा रही है तो 10-15 साल ऐसे ही कट रहे हैं, तो फिर उसके बाद हम जैसे लोग अगर आगे आके अगर कुछ चीज़ें करेंगे या हम आंदोलन करेंगे और हमारे हाथ से अगर कुछ कायदा सुव्यवस्था का अगर कुछ नुकसान होता है तो उसकी सर्वस्व जवाबदारी यहाँ का स्थानीय पुलिस स्टेशन ले, बस इतनी विषय है। राष्ट्रीय बजरंग दल इस मामले में बहुत कठोर कार्रवाई करने वाला है। अगर वो लोग प्यार की भाषा कायदे की भाषा अगर नहीं समझ रहे होंगे तो बजरंग दल को राष्ट्रीय बजरंग दल को अच्छी तरह से पता है कि ऐसे गुनहगार व्यक्तियों को किस तरह से रास्ते पे लाना है, उनको उनके साथ क्या करना है, वो अभी कुछ बातें छुपी रहे वही अच्छा है। हम बस यहाँ पे आंदोलन करेंगे, इसके बाद हम DCP ऑफिस भी जाएंगे, CP ऑफिस भी जाएंगे, जहाँ जहाँ हमको न्याय मिल सकता उतने दरवाजे हम खटखटाएंगे। अगर वहाँ से हमें अगर न्याय मिलता नहीं है तो फिर हम रास्ते पे आएंगे, और उसके बाद अगर कायदा सुव्यवस्था की अगर हानि होती है तो उसकी सारी जवाबदारी यहाँ का स्थानीय पुलिस स्टेशन ले, बस इतना ही।